खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन, नेवर मिस एनी अपडेट। विदेश में सीएए, एनआरसी और एनपीआर का विरोध हो रहा है। वहीं मध्य प्रदेश में राज्यपाल लालजी टंडन ने कहा कि आज नहीं तो कल इस कानून को मानना होगा। उन्होंने कहा कि फिलहाल इस मुद्दे पर भ्रम फैलाया जा रहा है। संविधान में देश और पूरा राज्य शामिल है। संविधान में जो बात आ गई है उसे सभी को स्वीकार करना चाहिए। उन्होंने कहा कि सभी को भ्रम दूर करना चाहिए। राज्यपाल लालजी टंडन से बात की है हमारे संवाददाता ने। देश की राजनीति में एक ऐसा नाम जिसने कई तमाम राष्ट्रीय पदों पर, संवैधानिक पदों पर और राजनीतिक पदों पर अपनी भूमिका निभाई है, मध्य प्रदेश में वर्तमान में राज्यपाल है जिस वक्त लालजी टंडन इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। सर, सबसे पहले तो मैं यही जानना चाहूँगा कि देश की राजनीति को आप बेहतर तरीके से समझते हैं, चूँकि आप अटल बिहारी वाजपेयी के समय से भी आप रहे हैं। वर्तमान में देश में एक एनआरसी बहुत बड़ा मुद्दा है जिसको लेकर कई स्टेट है जो एनआरसी हो या एनपीआर हो उसको लेकर अपनी अपनी बातें और अपने अपने मत रख रही है। क्या लगता है सर मध्य प्रदेश के लिहाज से जो अभी कहीं न चर्चा में है न उस पर कोई निर्णय हुआ है उसके बारे में अगर भ्रम में रहेंगे लोग तो उन्हीं का अहित होगा। संविधान ने से ये पूरा देश और इसका शासन चाहे राज्य हो या वो संविधान में जो बात आ गई उसको लोगों को स्वीकार करना चाहिए। वो देर या सवेर उनको मानना ही होगा कि जो संविधान में तो एक भ्रम चप्तर पहचान लिया गया है उस भ्रम को राजनीति में परिवर्तित नहीं किया जाना चाहिए। ये देश के हित में है और लोकतंत्र की रक्षा के लिए ये सबसे बड़ा कर्तव्य है हर नागरिक का। इसलिए ये सब भ्रम की बातों में जिस तरह की असंवैधानिक क्या हो रहे हैं उसको सबको अपना अपना भ्रम दूर कर लेना चाहिए। सर, कई देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है, मध्य प्रदेश में कांग्रेस की कमलनाथ सरकार है, दोनों ही बड़े नेता हैं, कहीं ना कहीं एक समन्वय बनाना भी कहीं ना कहीं महत्वपूर्ण रहता है। केंद्र, राज्य सरकार कहीं ना कहीं इस बात को नहीं मानती कि केंद्र के कुछ मुद्दों को नहीं मानना चाहती है, तो समन्वय किस तरह से सर आने और कुछ राजनीतिक एजेंडे पर यदि आपकी मुलाकात होती है? नहीं, राज्य सरकारों की अपनी स्वायत्तता है और केंद्र सरकार के अपने अधिकार हैं। और संघीय ढांचा तभी सफल होगा जब इन दोनों में सामंजस्य हो और आमतौर से ये एक भ्रम में जो कुछ हो रहा है वो हमारी संघीय व्यवस्था में का कहीं ना कहीं उसकी उपेक्षा हो रही है। उत्तर प्रदेश में आज डोनाल्ड ट्रंप आ रहे हैं, अमेरिका के राष्ट्रपति हैं, आ चुके हैं, दौरा कर रहे हैं,
पूरे देश का कितना महत्वपूर्ण लगता है। हालांकि कांग्रेस की जितने भी स्टेट्स हैं वो उनका कहना है कि फिजूल खर्ची है, लेकिन देश के लिहाज से कितना महत्वपूर्ण है अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का दौरा? कि दुनिया में अमेरिका जो है सबसे बड़ी आर्थिक शक्ति है और हमेशा उसे राष्ट्रपति का जब भी आगमन होता है तो शिष्टाचार के नाते जो जैसा गेस्ट होता है उसका उसी तरह से सम्मान किया जाता है। तो ये डिप्लोमेटिक और फाइनेंशियल मसले जो जुड़े होते हैं इसमें खर्चे का कोई विषय नहीं होता। सर देश को कितना फायदा होगा डोनाल्ड ट्रंप के इस दौरे से, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप का तो चुनाव है इसलिए उनको तो फायदा होगा ही क्योंकि भारत के मूल वासी वहां जो रहते हैं, लेकिन देश को आर्थिक स्थिति में कितना बदलाव हो सकता है इसमें? कई समझौते होने वाले हैं, भारतीयों के वीजा के ऊपर कुछ अमेरिका ने कुछ बंदिशें लगाई थी। ट्रंप के आने से वो हट गई तो वहां के भारतीयों को जो एक बहुत बड़ी उनके संकट खत्म हो गया। भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जो हैं उनके दुनिया के जितने बड़े राष्ट्राध्यक्ष हैं या जो शक्तियां हैं सबके साथ मित्रवत संबंध हैं, तो लेकिन ट्रंप के साथ एक विशेष मित्रवत संबंध उनके हैं, उसका भारत को बहुत लाभ मिलेगा। और आज हमें जो अर्थव्यवस्था हमारी जो सैनिक शक्ति बढ़ रही है तो जब दो बड़ी शक्तियां और इतनी आत्मीयता के साथ मिलती हैं तो जाहिर है कि उसको उसका लाभ देश को मिलेगा। जो NRC है उसको लेकर कहीं ना कहीं भ्रम फैलाया जा रहा है और जो कानून बन चुका है उसको आज नहीं तो कल राज्य सरकारों को मानना ही होगा। कैमरा पर्सन अमित सियोते के साथ शरद व्यास, जनतंत्र TV, भोपाल।